हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेटल दैट आर वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट आर मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर एसिडिक ऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कब यूज करते हैं, या इलेक्ट्रो लाइटिक मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये यूज होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है ना, एक्चुअली ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हो सकता। ये सब हाइड्रोजन सबसे रिड्यूस नहीं होगा। अगर मैं Na को रिड्यूस कराऊं, Na2O को रिड्यूस कराऊं, अगर इसको मैं रिड्यूस कराने जाओ हाइड्रोजन से, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। या कार्बन मोनोऑक्साइड से CO से रिएक्शन करवाऊं तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये Na बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये इसलिए होता है, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम आसानी से कर सकते हैं, जब Na2O में इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, ये 2Na+ एंड O2- में ये ब्रेक करता है, और जब ये कैथोड और एनोड पर जाएगा तो कुछ ऐसा ही ब्रेक करेगा। कैथोड पर 2Na+ अपने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2- अपना टू इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहाँ से, और यहाँ पर 1/2 O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फाइनल रिएक्शन देखो कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, और ये सोडियम यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर Na2O ये ब्रेक हो जा रहा है 2Na+ ½O2 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम एक्सट्रैक्ट हुआ ना, तो हम लोग किसका रिडक्शन करवा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। That's all. Thank you.